रेसलमेनिया 12 में डीजल एके केविन नैश अंडरटेकर के खिलाफ मैच के लिए रिंग में जा रहे थे। बिग सेक्सी को खुद को हाइप अप करने की जरूरत थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कर बैठते हैं, इसीलिए WWE डीजल को म्यूट कर देते हैं। रेसलमेनिया 23 का जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल मैच आइकॉनिक है। हालांकि एक मोमेंट ऐसा था जो WWE नहीं चाहता था कि आप देखें। सीना और शॉन के लॉकअप से पहले सामने की सीट के पास बैठा एक फैन बैरिकेड से कूद गया और अपने कपड़े उतारने लगा। इस इंट्रूडर ने रिंग में एंट्री भी कर ली, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे बहुत जल्द ही पकड़ लिया। हालांकि सबसे मजेदार पार्ट ये था जब शॉन माइकल ने फैन की तरफ वेव करना शुरू कर दिया जैसे ही उसे ले जाया जाने लगा। ये मोमेंट काफी मजेदार था और ये शर्म की बात है कि WWE ने इसे इरेज कर दिया। स्पीड वर्सेस पावर की लड़ाई में एडी गेरेरो ने रेसलमेनिया 17 में टेस्ट का सामना किया। शायद टेस्ट में कुछ ज्यादा ही पावर थी क्योंकि गलती से उनका बूट रस्सियों में फंस गया था। ये इतना बुरा था कि एडी को एक्चुअली में उनकी मदद करनी पड़ी, लेकिन जब गेरेरो रिंग से बाहर गए तो वो फिसल गए और फ्लोर पर गिर गए। हालांकि लैटिनो हीट ठीक थे, लेकिन शो के एयर होने के बाद WWE ने इस गड़बड़ी को हटा दिया। इस एक डिसीजन की वजह से एक पूरे रेसलमेनिया मैच को हिस्ट्री से मिटा दिया गया। 1990 में रोडी पाइपर बैड न्यूज के साथ एक फ्यूड में थे, जिस वजह से रेसलमेनिया 6 में एक मैच हुआ। मुझे लगता है कि रिएक्शन पाने के लिए रोडी पाइपर ने अपने आधे शरीर को काला कर लिया था। अब अजीब बात यह है कि रोडी पाइपर को अच्छा बंदा बनना था और बैड न्यूज ब्राउन को विलन बनना था। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, खासकर हाल के समय में। और रेसलमेनिया 6 में रोडी पाइपर के सभी अपीयरेंसेस को WWE शो के नेटवर्क वर्जन से हटा दिया गया। अल्टिमो ड्रैगन की पहली और इकलौती रेसलमेनिया अपीयरेंस यादगार थी, लेकिन गलत वजह से। जैसे ही क्रूजर वेट अपना एंट्रेंस कर रहे थे, वो फिसल के गिर गए। शो के एंड होने के बाद WWE ने ड्रैगन की इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए एंट्रेंस के सीन को फिर से रीएडिट किया। रेसलमेनिया 22 ने WWE हिस्ट्री के बेस्ट वुमेन्स मैच में से एक को फीचर किया है, जो कि बेस्ट फीमेल स्टार में से दो ट्रिश और मिकी जेम्स के बीच हुआ था। कई मिनटों तक फाइट करने के बाद जेम्स बिना प्लान की हुई चीजें करने का फैसला करती हैं और अपने हाथ और टंग से इशारा करती हैं। वैसे ये अजीब तो है, लेकिन मिकी को ये सब सही लग रहा था क्योंकि स्टोरी लाइन में वो ट्रिश की एक साइको फैन थी। हालांकि विंस मैकमैन जेम्स की इस हरकत से काफी नाराज थे और इस मोमेंट को भी उन्होंने WWE की हिस्ट्री से हटवा दिया था। और ये अकेला पार्ट नहीं था जिसे ट्रिश और मिकी के मैच से हटाया गया। इशारा करने के कुछ ही देर बाद जेम्स ने स्ट्राटस को हिट करने की कोशिश की, लेकिन मूव गड़बड़ हो गया। WWE को आखिर में मैच में हुए पूरे मैसअप को रेसलमेनिया 22 के बाद के वर्जन में एडिट करना पड़ा। आप या तो ये सोचने वाले हैं कि WWE चीप हरकतें कर रहा है इस मोमेंट को मिटाकर, या आप सोचेंगे कि ये एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन था। 2003 के रेसलमेनिया 19 की शुरुआत सिंगर अशांटी ने अमेरिका द ब्यूटीफुल गाकर किया। हालांकि WWE ने इस परफॉर्मेंस को रेसलमेनिया 19 के सारे फ्यूचर वर्जन में से हटा दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए ताकि वो अशांटी को रॉयल्टीज पे करने से बच सके। क्रिस बेनवा आमतौर पर एक ऐसे इंसान है जिसे WWE अपने कोई कनेक्शन नहीं दिखाती। उनके 2007 के मर्डर सुसाइड की वजह से ऐसे बहुत सारे मोमेंट है जो WWE या तो इग्नोर कर देता है या पूरी तरह डिलीट कर देता है बेनवा का उनमें होने की वजह से। और रेसलमेनिया कोई अलग नहीं था। जब WWE ने वीडियोस की एक सीरीज जारी की उनके यूट्यूब चैनल पर रेसलमेनिया 60 सेकंड के नाम से, तो बेनवा के मैचेस को पूरी तरह उनसे हटा दिया गया था। WWE ने अपनी वेबसाइट पर हर रेसलमेनिया की फोटो गैलरीज रिलीज की है, पर उसमें से भी बेनवा के मैचेस की कोई पिक्चर्स नहीं थी, जबकि बेनवा रेसलमेनिया 20 के मेन इवेंट में भी थे। 2014 में एक DVD जारी की गई शॉन माइकल के रेसलमेनिया में हुए सारे मैचेस की, सिवाय उसके जो क्रिस बेनवा और ट्रिपल एच के साथ हुआ था 2004 में, जिसके बारे में अगर बात की जाए तो WWE ने एडी गेरेरो और बेनवा की वर्ल्ड टाइटल्स की सेलिब्रेशन फोटो को प्रमोशनल पीस के लिए उसे यूज की थी, जिसमें बेनवा को पूरी तरह से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि रेसलमेनिया 20 में एडी के साथ सेलिब्रेट करने के तुरंत बाद क्रिस बेनवा की पत्नी और बच्चे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बाहर आए। इस मोमेंट को भी मर्डर सुसाइड के बाद इरेज कर दिया गया था। लाइव टीवी पर कुछ भी हो सकता है और इसका सबूत रेसलमेनिया 38 था। शो की पहली रात के दौरान शार्लेट फ्लेयर ने डिफेंड किया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रोंडा राउजी के खिलाफ। मैच काफी फिजिकल हो गया था। हालांकि शार्लेट फ्लेयर को वार्डरोब मॉल फंक्शन झेलना पड़ा और बहुत कुछ रिवील भी हो गया था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, WWE ने तेजी में इस एविडेंस को मिटा दिया कि ऐसा भी कुछ कभी हुआ था। अब ये मोमेंट अजीब है। रेसलमेनिया 37 शुरू होने से पहले पूरे अरीना में बारिश हुई, जिससे सब कुछ भीग गया और एक फनी ब्लूपर का रीजन बना। जैसे ही मैंडी रोज डाना ब्रूक के साथ अपना एंट्रेंस करने जा रही थी, तो गोल्डन गॉडेस स्लिप हो जाती हैं और रैंप पर गिर जाती हैं। शो के बाद WWE ने इस छोटी सी गलती को रिमूव कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि WWE 2 दिन बाद रोज के इस ब्लूपर को रॉ पर दिखाता है और स्टोरी लाइन का पार्ट बना देता है। क्या वो चाहते हैं कि हम इसे भूले या नहीं?
मैं सच में नहीं जानता कि क्यों WWE को जरूरी लगा कि इसे रिमूव कर देना चाहिए। रेसलमेनिया में 5 साल रेसल ना करने के बाद शॉन माइकल वापसी करते हैं WWE के सबसे बड़े स्टेज पर, जो कि रेसलमेनिया 19 था। माइकल के ओपोनेंट थे क्रिस जेरिको। HBK के एंट्रेंस के बीच Y2J शॉन माइकल को उंगली दिखा देते हैं। ये देखने में इतना बुरा नहीं लगा। उसी रात स्टोन कोल्ड ने भी तो ऐसा ही किया था। वैसे किसी वजह से रेसलमेनिया 19 की DVD और WWE नेटवर्क के वर्जन्स पे क्रिस जेरिको के फिंगर दिखाने से पहले ही कैमरा कट हो जाता है। WWE क्यों इलियास के साथ ऐसा करता है? रेसलमेनिया 35 के लिए इलियास ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस की, बल्कि लोगों को तो ये इतना पसंद आया कि इजाकेल के भाई ने डिसाइड किया इनकोर करने के लिए, जिसमें वो व्हाइट स्ट्रिप्स के 7 Nation Army को प्ले करने वाले थे। क्योंकि WWE के पास सॉन्ग के राइट्स नहीं थे, तो शो के बाद इसे इरेज करना पड़ा। रेसलमेनिया 2 के ओपनिंग मैच में मिस्टर वंडरफुल पॉल ऑनड्रॉफ सामना करते हैं द मैग्निफिशेंट मोरक्को का, जिन्हें मिस्टर फूजी मैनेज कर रहे थे। मैच में मिस्टर वंडरफुल तिरछी नजर करके मिस्टर फूजी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके बाद इटालियन सलूट भी करते हैं। जब मैच WWE नेटवर्क पर आया तो इसको एडिट करके दिखाया गया ताकि पॉल ऑनड्रॉफ के एक्शन को छिपा सकें। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन रेसलमेनिया 15 में माइकल कोल ने काफी बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही हेल इन अ सेल अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन के मैच के लिए नीचे आ रहा था, माइकल कोल पोस्ट रेसलमेनिया शो को प्रमोट करते जा रहे थे। कोल गलती से मेन इवेंट के विनर का नाम ले लेते हैं। जब वो ये कहते हैं, On the Home Shopping Network, it's the show after the show. Post-game comments, we'll hear from the new WWF champion. मामला ये था कि WWE चैंपियनशिप मैच तब हुआ ही नहीं था। उनका न्यू WWE चैंपियन बोलने से फैंस को ये पता चल गया था कि उस रात द रॉक टाइटल को स्टीव ऑस्टिन के हाथों हारने वाले हैं। और बाद में जो हुआ भी, जाहिर है इस गलती को रेसलमेनिया 15 के सारे फ्यूचर वर्जन से हटा दिया गया था। आमतौर पर रेसलमेनिया की शुरुआत होती है पैट्रियोटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस को तुरंत ही नापसंद कर दिया गया था। और ये समझाना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। DX बैंड का सॉन्ग का रेंडिशन इतना खराब था कि इसे सिर्फ लाइव पेपर व्यू पर दिखाया गया और दोबारा कहीं नहीं। मुझे इस बंदे के लिए सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होता है। रेसलमेनिया 26 में ये आखिरी बार था जब एक मनी इन द बैंक लैडर मैच सबसे बड़े स्टेज पर हुआ था, जिसमें शामिल सभी रेसलर्स ने अपना सब कुछ दिया, और ये मैच कुछ खास मोमेंट से भी भरा हुआ था। हालांकि WWE चाहता है कि सबको ये याद रहे, मगर एक मोमेंट है जिसे वो मिटा देता है। जब मैच के विनर जैक स्वैगर ब्रीफकेस उतारने लगे, उन्हें उसे नीचे पकड़ के लाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अगर आप इसे DVD या WWE नेटवर्क पर देखेंगे तो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने उसे काफी जल्दी उतार दिया हो, जबकि अगर लाइव वर्जन में देखा जाए तो द ऑल अमेरिकन को लगभग 15 सेकंड लग जाते हैं ब्रीफकेस को हुक से उतारने में। रेसलमेनिया 32 में हिस्ट्री बन गई जब डिवास चैंपियनशिप रिटायर हो गई और वुमेन्स टाइटल को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे WWE में डीवा टर्म का अंत हुआ और फीमेल रेसलर्स को अब सुपरस्टार के नाम से जाना जाने वाला था। किक ऑफ पैनल इस अनाउंसमेंट पर रिएक्ट करती है और इसमें कुछ भी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं लगता है। फिर भी इवेंट के बाद पैनल के रिएक्शन को WWE नेटवर्क के किक ऑफ शो से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रेने यंग ने एक तरह से डीवा वर्ल्ड को अटैक कर दिया था और WWE को लगा होगा कि ये उन्हें गलत तरीके से दिखा रहे थे। WWE के एक नॉन टेलीवाइज्ड इवेंट में एक फीमेल फैन ने रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए क्या हुआ स्क्रीन पर दी गई वीडियो में।